हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर वन की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और पेपर वन की जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए। और कल हमने बात करी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, और ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को बताने के लिए जो ब्लूम ने अपना वर्गीकरण दिया था वो है, ठीक है। और इसी तरह से जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसके वर्गीकरण को हम और डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो ब्लूम के अलावा गेने और ब्रिक्स ने भी अपना वर्गीकरण दिया था, इसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में वो रेगुलर जरूर देखें ताकि आपका भी कुछ छूटे ना, और जो हमारी क्लासेस हैं वो रेगुलर इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती जाएं। चलिए बात कर लेते हैं ब्लूम के बारे में। पहले कल मैंने आपको बताया था कि ब्लूम ने 1956 में कब दिया था, 1956 में, है ना। ब्लूम ने अपना वर्गीकरण दिया था जिसको उन्होंने बताया कि तीन तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है शिक्षा के उद्देश्यों को, जिसमें उन्होंने बताया ज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक होता है, मनोसंचालित यानी कि कॉग्निटिव इफेक्टिव, और यहाँ पर साइकोमोटर, ठीक है। अब कॉग्निटिव मतलब जिसमें बात करी जाए बौद्धिक स्तर की, ज्ञान की बात की जाए। इफेक्टिव जो है वो ए से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है जो कि किसकी बात करता है, भावना की बात करता है, भावनात्मक चीज़ों के बारे में बात करता है। और जो मनोसंचालित है वो जिसमें हम क्रिया करते हैं, मतलब कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो ये है, इसको 1956 में दिया गया था, इसको 3H क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 3H क्लासिफिकेशन क्या है तो आप बताएंगे ब्लू टैक्सोनॉमी को कहा जाता है। यहाँ पर H से संबंधित क्या है, पहला H है हेड। हेड का मतलब सिर, सिर से मतलब क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, बुद्धि के लेवल पे बात जब होती है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने घर में भी तो पापा जो होते हैं वो कहाँ से काम लेते हैं, बौद्धिक स्तर से काम लेते हैं। और दूसरा एच जो होता है वो क्या होता है, हार्ट, मतलब कि आपका दिल। तो माता जी जो होती है हमारे घर में, मम्मियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी दिल से काम लेती है, इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हार्ट। और तीसरा हो जाता है हैंड। अब इसको आप भाई कह सकते हैं कि जो भाई या बहन होते हैं वो किससे काम करते हैं, हैंड से काम करते हैं, मतलब हाथ से काम करते हैं। तो हेड से मतलब क्या, बौद्धिक एक्टिविटी। जब हम बात कर रहे हैं किससे, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम को सुलझाना है जहाँ से सारा का सारा दारोमदार कहाँ से जुड़ रहा है, आपकी बुद्धि से जुड़ रहा है, आपके ज्ञान से जुड़ रहा है, आपके नॉलेज से जुड़ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा पक्ष कहलाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष। और जहाँ आपके हृदय से जुड़ रहा है, हार्ट से जुड़ रहा है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिसमें, वो कहलाएगा हार्ट, यानी कि आपका अफेक्टिव यानी भावनात्मक पक्ष। और तीसरा जिसमें हम काम करते हैं, ना तो कुछ दिल से सोचते हैं ना दिमाग से, बल्कि हम क्या करते हैं, कार्य रूप में परिणत करते हैं, तो वहाँ हो जाता है हैंड यानी कि साइकोमोटर, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन किया था, और जो भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा होगा उन्होंने समझ लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात आ जाती है कि 2001 में इस ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुछ संशोधन किया गया था, वो संशोधन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2001 में जो संशोधन हुआ था वो किसने किया था, तो एंडरसन और करतबुल ने ये संशोधन किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो कुछ भी संज्ञानात्मक चीजें थी, मतलब संज्ञा से संबंधित थी, नाउन के रूप में जो भी बातें थी उसको चेंज कर दिया था वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। मतलब जो भी बात थी, जैसे हमने बोला ना कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, जिससे किसी का नाम हो। ये अगर मैंने आपको बताया कि अगर याद एक क्या है, क्रिया है, याद करना, ये क्या हो जाता है, क्रिया हो जाती है। तो जो भी बात थी उसको किस में चेंज कर दिया गया था, क्रिया के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है 2001 में, ठीक है। इसमें उन्होंने जो दो मेजर चेंज किए हैं वो क्या किए हैं,
समझ को चेंज कर दिया है बोध के रूप में, किसके रूप में, बोध के रूप में, और संश्लेषण को जो चेंज कर दिया गया है वो कर दिया गया है सृजनात्मकता के रूप में। ठीक है, और अच्छे से सोच लेते हैं तो अब इनके जो छह तत्व बन गए वो क्या क्या बन गए, स्मरण, पहला क्या हो जाएगा स्मरण, दूसरा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, मतलब देखना स्मरण को क्या कर दिया उन्होंने, रिमेम्बरिंग मतलब आईएनजी लगा दिया, यहाँ पर ये बात क्या हो रही है क्रिया के रूप में ये बात की जा रही है। ठीक है, रिमेम्बरिंग, ठीक है, जो हमारा पहला था उसमें क्या था, यहाँ पे ज्ञान था, नॉलेज की बात कही गई थी, तो ज्ञान अपने आप में क्या है, एक तरह से संज्ञा शब्द है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं याद रखा जा रहा है, रिमेम्बरिंग बात कही जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तो स्मरण हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ की जगह पे क्या ले लिया उन्होंने, बोध ले लिया, फिर आगे अप्लाई लागू करना, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, आपने याद कर लिया, याद करने के बाद अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर लिया, देन क्या आ जाता है, विश्लेषण, आपने सारे डॉट्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए, फिर उसके बाद मूल्यांकन यानी कि उसको इवेल्युएट कर लिया, समझ लिया कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होना है, और फिर आखिरी में इन्होंने जो चेंज किया है संश्लेषण शब्द को वो कर दिया है रचना यानी कि क्रिएटिंग में, मतलब अब आप नई चीज की रचना करें, क्रिएट करें कुछ बनाकर, है ना, वो जो पुराना का पुराना चला आ रहा है लाखों करोड़ों वर्षों से, वही चीज को एज इट इज आप रट नहीं लें, बल्कि क्या करें उसका आधार लेकर आप कुछ नए ज्ञान की रचना करें। तो ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंट संशोधन जो किया गया था 2001 में। तो आपको याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, पहले तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को आपको तीन भागों में जो वर्गीकृत किया गया है उसको याद रखना है, उसके बाद फिर उसका संशोधन कब किया गया है वो याद रखना है, किसने किया है वो याद रखना है, मेजर जो चेंज हुआ है उसको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, तो गेग ने और ब्रिक्स ने आपका दूसरा क्लासिफिकेशन दिया है, किसके बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों को समझाने के बारे में। तो अब हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि गेग ने और ब्रिक्स ने दिए हैं, ध्यान रहेगा ना, चलिए इसको आप समझ लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स बना लोगे तो याद रहेगा। कल हम मैंने आपको ब्लूम की सारी जो क्लासिफिकेशन उसको बहुत डिटेल में बताया था, कॉग्निटिव को अलग बताया था, इफेक्टिव को अलग बताया था, साइकोमोटर को अलग बताया था, अब वो बनाने के बाद आप लिख लीजिएगा संशोधन को, और अब इसके बाद में आप लिख लीजिएगा सेकेंड जो ऑप्शन है क्या, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एम्स, ठीक है, दूसरा वर्गीकरण जो है शिक्षा के उद्देश्यों का, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गेग ने और ब्रिक्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उद्देश्यों के वर्गीकरण का वो हम देख लेते हैं। तो जिस तरीके से ब्लूम ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसी तरीके से सेकंड जो दिया गया है वो गेग ने और ब्रिक्स के साइड से है, वो क्या है, इन्होंने बात करी है 1, 2, 3, 4, 5 तरह के उन्होंने उद्देश्य दिए हैं, वर्गीकरण किया गया है। पहला दिया है उन्होंने क्या, बौद्धिक कौशल जिसको कहा गया इंटेलेक्चुअल स्किल, दूसरा दिया है ज्ञानात्मक रणनीतियां जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, फिर कहा गया है मौखिक सूचना ओरल इंफॉर्मेशन, संचालन तंत्र मोटर स्किल, मनोदृष्टि एटीट्यूड, ठीक है, ये है उनकी हायरार्की, उनका क्रमबद्ध डिस्ट्रीब्यूशन उद्देश्यों का। चलिए हम एक एक को समझ लेते हैं, बौद्धिक कौशल का मतलब क्या होता है, अगर हम इस उद्देश्य की बात करें तो जहां कहीं भी संज्ञानात्मक बात कही जाए, बौद्धिक बात कही जाए, इंटेलेक्चुअल बात की जाए तो किससे बात होती है, आपकी बुद्धि से, आपकी बुद्धि, देखिए हर व्यक्ति ना दो तरह से अपने कार्यों को करता है, एक होता है बुद्धिक लेवल पर जिसमें हम बात करते हैं बुद्धि की, और दूसरा लेवल होता है हमारा मन यानी कि जिसका हम कहते हैं माइंड। तो मन जो होता है वो चंचल होता है और वो इमोशन उसमें चला जाता है, इमोशनल एक्टिविटी में चला जाता है, लेकिन जो बुद्धि होती है वो तर्क संगत होती है, मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है तो तर्कों के माध्यम से उसको सर्च करती है या फिर जज करती है कि ये कार्य सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है बौद्धिक कौशल की,
तो इस क्लासिफिकेशन के इस पक्ष में इस तरीके की एक्टिविटी कराई जाए, इस तरीके का कार्य कराया जाए कि बच्चे का जो बौद्धिक कौशल है ना उसका निर्माण हो, उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स बढ़े, ताकि वो बुद्धि के माध्यम से अपने हर कार्य को करने में सक्षम हो, तर्क संगत लॉजिकल वे में कार्य को करे। दूसरा आ जाता है ज्ञानात्मक रणनीतियां। अब बात आ जाती है रणनीतियों की, स्ट्रेटजी हम कब बनाते हैं, जब हमें विधियां बनानी हो, हमें अपने अलग तरीके का करिकुलम बनाना हो, सिलेबस का निर्माण करना हो जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से रणनीति हो जाती। आप ये मान के चलें कि जब कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि कल आपके दिमाग में आया और आपने परसों एग्जाम की तिथि घोषित कर दी। आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, जो भी आयोग होता है उसका गठन करना होगा, उसके बाद फिर टाइम टेबल घोषित किया जाएगा, सिलेबस घोषित किया जाएगा, फॉर्म निकाला जाएगा, उसके बाद में कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकते हैं उनका नियम कानून बनाया जाएगा, कहाँ एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, और किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कितने ह्यूमन पावर चाहिए होगा, कितना आपका टेक्निकल पावर चाहिए होगा, इन सब की बात की जाएगी, तब जाके कार्य परिणत होता है। ऐसा नहीं हो जाता कि कल सोचा परसों काम हो गया। तो यहाँ पे भी ज्ञानात्मक रणनीतियां हैं, अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी पढ़ाई जा रही है बच्चों को, तो कैसे स्ट्रेटेजी का निर्माण करना है, कैसे करिकुलम का निर्माण करना है, कैसे विधियों का निर्माण करना है, कैसे उनके क्लासरूम का ऑर्गेनाइजेशन करना है, सबकी रणनीतियां यहाँ पर बनाने की बात बताई जा रही है। मौखिक सूचना, ओरल इन्फॉर्मेशन। देखिए दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। एक होता है जिसमें आपको ओरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन ओरल इन्फॉर्मेशन को जब दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, तो जो वर्बल नहीं होती है, मतलब लिखित सूचना होती, उसको हम सही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी पैरेलली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं। जैसे हमें कुछ भी पढ़ाना है, साइंस में हमें कुछ पढ़ाना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो बहुत सारी पैरेलल गतिविधियां जो होती रही हैं उसके सराउंडिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन बच्चे को देते हैं। तो यहाँ पर ओरल इन्फॉर्मेशन की बात कही गई है कि उद्देश्यों को पूर्ण करने में ओरल इन्फॉर्मेशन का भी बहुत महत्व होता है। एक तरीके से अनौपचारिक जो शिक्षा है उसको भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। फिर आ जाता है संचालन तंत्र, यानी कि मोटर स्किल। यहाँ पे वही बात आ जाती है, साइकोमोटर की बात, मतलब जहां पर फिजिकल एक्टिविटी आपकी कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें आपका जो कार्य है ना वो लिखित पढ़ित बस नहीं है केवल, जबकि वहां पर क्या हो रहा है, आपका शरीर का संचालन भी हो रहा है, गतिक आप क्रियाएं कर रहे हैं, जहां पर संचालन की बात कही जाती है। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य हो गया जहां पर मोटर स्किल, जहां मोटर शब्द उपयोग किया जाए, तो ये मान लीजिए बात कही जा रही है कि आपको क्रिया करनी है, कार्य करने हैं, कार्य करके अपने आप को कोई आपको उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट आ जाता है मनोदृष्टि, मतलब एटीट्यूड, जिसको कहा जाता है आपने जो कुछ भी सीखा समझा बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, स्ट्रेटेजिकल स्तर पर, उससे आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरह से बना है। अगर हम क्रमबद्ध देखें तो सबसे पहले आपकी बौद्धिक स्किल बनेंगी, कौशल का निर्माण होगा, उस बेस पर आप स्ट्रेटजी का निर्माण करेंगे, साथ में आप कुछ मौखिक सूचना भी लेंगे, उसके बाद आप अपनी मोटर स्किल को बढ़ाएंगे और फिर आपका एटीट्यूड का निर्माण होगा। तो इस तरह से शिक्षा की सारे उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में गेने और ब्रिक्स ने बताया है। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्यों के लिए बात अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दो तरीके के उद्देश्य हो जाते हैं, पहला हो जाता है ब्लूम्स का, दूसरा हो जाता है गेने का, और उनका क्लासिफिकेशन कैसा है ये बात हमने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसको रेगुलरली ध्यान से पढ़ते जाइए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की में से कंप्लेन ये है कि आप लोग रेगुलर नहीं स्टडी करते हैं, क्लास में आप रेगुलर नहीं आते, इस तरह से तो मेरा पढ़ाना कोई मतलब का नहीं है, इससे तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डालती जाऊँ। अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हो जाइए। ठीक है, उससे आपका ज्यादा फायदा होगा, ऐसे में तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो ऐसे बताती जाऊंगी क्योंकि मेरा तो वीडियो चाह ही रहा है, लेकिन
बात ये है कि आप लोग अगर ऑनलाइन माध्यम से आते हैं, उसी समय आते हैं, तो आपका फायदा होगा। अगर आपको टाइमिंग से इशू है तो आप मुझे टाइमिंग का कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी टाइमिंग्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को सूटेबल रहेगी, उस हिसाब से मैं अपने वीडियोस की टाइमिंग को चेंज कर दूंगी, क्लासेस की टाइमिंग को चेंज कर दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो उसी समय पे क्लास लें जिस समय पे ये क्लास रन होती है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।